अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, शोहर ही कसूरवार होता है। क्यों होता है? उसकी रीज़न ये है कि जितने भी घर उजड़ते देखे हैं ना, उनमें ज़्यादातर कसूर शोहर का ही होता है। वो कैसे? वो ऐसे कि जो बीवी को लाते तो बड़े प्यार से हैं, पर शादी होने के बाद बीवी को नुकरानी बना देते हैं। तुझे मेरी माँ की खिदमत करनी है, तुझे मेरी बहनों की बात माननी है, मेरे भाई की खिदमत करनी है, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, वगैरह वगैरह, और बेचारे को कैदी बना के रख देते हैं। और अगर गलती से किसी दिन किसी काम में कमी रह गई या कोई फरमाइश कर दी तो गाली गलोच होती है, और उसके ख़ानदान वालों की जो हालत ज़ार होती है वो अलग। कोई भी घर ना टूटे अगर शोहर बीवी के एहसास करे, उसे इज्जत दे, तो बीवी उसको अपने सर का ताज बनाएगी और उस ख़ानदान वालों को अपने सर आँखों पे बिठा के रखेगी। एक होता है किसी को अपनी तबीयत के मुताबिक ढाल लेना, और दूसरा होता है किसी की तबीयत के मुताबिक ढल जाना। इन दोनों पहलुओं में अंदाज़े नरमी और मोहब्बत वाला हो तो तब ही तबीयतों में तब्दीली आती है, वरना झगड़ों के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह की प्यारी प्यारी बातें अज़वाजी ज़िंदगी के मुताबिक, और अज़वाजी ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी कैसे गुजारने के तरीके, और अच्छी अच्छी अहदीसें जो कि मियां बीवी के रिलेटेड होंगी, आपको इसको इस चैनल से मिलेंगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन के बटन को लाजमी क्लिक करें। वस्सलाम।